देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो हम उसका स्वागत करते हैं, हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से एक दो सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। तो ये दो बड़ा मैसेज है कि इस देश में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी आप बार बार दुनिया में घूम के कहते हैं ना भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो यहां लोकतंत्र है। आप जब सही जगह पे गए आपने अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया होगा, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है, तो हमको ये हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं। लेकिन वो तो बार बार कह रहे थे कि क्षमा नहीं मांगेंगे, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने क्षमा मांगा ही, सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मांगे तभी तो उनको क्षमा किया गया। एक और सवाल है जो कि कांग्रेस पार्टी कर रही है कि अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष से इसकी मांग भी हो चुकी है कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर कार्रवाई करें। एक संसद सदस्य के तौर पर, बीजेपी के सांसद होने के तौर पर, क्या आप भी राहुल गांधी को मिस कर रहे थे? भाई, उनकी जो हरकतें होती हैं संसद में वो हम लोग जरूर मिस करते हैं। राहुल गांधी जी शायद हो सकता है इस गैप के बाद थोड़े से जिम्मेदार विपक्षी की तरह आएं, हम इसकी अपेक्षा करते हैं। संसद को चलने दें, अपने लोगों को बताएं। और दो बात बाजी स्पष्ट है, मैं उस पर कंसंट्रेट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, इस देश में लोकतंत्र है, और दूसरी बात, आप बार बार बोलते हैं हम क्षमा नहीं मांगेंगे, आपने चौकीदार पे सवाल उठा करके भी कोर्ट में क्षमा मांगी थी, आज फिर क्षमा मांगनी पड़ी, लेकिन बेइज्जती करा।